अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज हम उर्दू डबिंग के साथ कैसे देख सकते हैं। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जिसने हमारे दिलों को ईमान के नूर से मुनव्वर किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम प्यारे नाजरीन से गुजारिश है कि एक मरतबा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद मुबारक पढ़ लीजिए। प्यारे नाजरीन, बगैर आपका वक्त ज़ाया किए हम आपको बताते चलें कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज़ के बारे में हमसे नाजरीन बार बार ये सवाल कर रहे थे कि हम इस सीरीज़ को उर्दू डबिंग में कैसे देख सकते हैं। नाजरीन, देखने की बात तो दूर रह गई, इस सीरीज़ को आप तुर्की ज़बान के साथ भी यूट्यूब पर नहीं देख सकते। आखिर ऐसा क्यों है? किस वजह से मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज को यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया जा रहा? प्यारे नाज़रीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की पहली एपिसोड जब यूट्यूब पर अपलोड की गई तो इस वीडियो पर 1.7 मिलियन व्यूज आए, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। और जिस किसी ने भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज की पहली एपिसोड देखी तो इसके दिल में पूरी सीरीज देखने की चाहत पैदा हुई। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज की पहली एपिसोड ही यूट्यूब पर अपलोड की गई? नाजरीन, ये सिर्फ इस वजह से किया गया कि जो लोग तारीखी सीरीज देखने के शौकीन हैं, अगर वो इस सीरीज को देख लेते हैं, यानी कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की पहली एपिसोड, तो वो पूरी सीरीज देखे बिना नहीं रह सकेंगे। और ऐसा ही हुआ। तिब्बी चैनल वालों ने यह सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर हमारे चैनल की मेंबरशिप खरीदें और पैसे देकर तमाम सीरीज उर्दू, इंग्लिश और अरबी जबान की डबिंग के साथ देखें। प्यारे नाजरीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज लोगों को बेहद पसंद आई, खास तौर पर तब जब इस सीरीज में अर्तुल गाजी की एंट्री हुई। नाजरीन, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब इस सीरीज में अर्तुल गाजी का नाम उठाया गया तो मेरे जिस्म में एक अजीब कैफियत पैदा हुई और मुझे खुशी हुई कि जिस किरदार को हमने अर्तुल गाजी ड्रामे में देखा, अब वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज में हमें देखने को मिलेगा। लेकिन नाजरीन, मेरे अरमानों पर पानी फिर गया और इस सीरीज यानी कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की सीरीज में अर्तुल गाजी का किरदार किसी और किरदार ने अदा किया और इसकी अदाकारी भी बेहतरीन थी। नाजरीन, हम आपको ये भी बताते चलें कि अर्तुल गाजी के सीजन 5 की लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि वो मुहिम की तरफ रवाना होते हैं। दरहकीकत वो इस जंग की तरफ रवाना होते हैं जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज में दिखाया गया है। नाजरीन, अगर अर्तुल गाजी सीरीज का सीजन 6 दिखाया जाता तो इस सीजन में ये जंग दिखाई जाती जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज में दिखाई गई है। नाजरीन, आपसे एक छोटा सा सवाल है कि दोनों किरदारों में से, यानी कि जिस किरदार ने अर्तुल गाजी ड्रामे में अदाकारी की यानी कि एंगन अल्तान, और जो किरदार अर्तुल गाजी का किरदार मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज में निभा रहा है, इन दोनों किरदारों में से किस अदाकार की बेहतरीन अदाकारी है? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ कुछ नाजरीन ये सवाल करेंगे कि हम तिब्बी चैनल की मेंबरशिप कैसे खरीद सकते हैं और तुर्की के तमाम तारीखी ड्रामे उर्दू डबिंग के साथ देख सकते हैं, ना कि सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश, स्पेनिश और अरबी जबान की डबिंग के साथ भी देख सकते हैं। नाजरीन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इस 4-5 मिनट की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका बताया गया है कि तिब्बी चैनल की मेंबरशिप कैसे खरीद सकते हैं। प्यारे नाजरीन, अब बात आती है कि तिब्बी चैनल की मेंबरशिप खरीद कर क्या हम मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज को भी उर्दू डबिंग के साथ देख सकेंगे? तो प्यारे नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि अगर आप तिब्बी चैनल की मेंबरशिप खरीद लेते हैं तो नाजरीन, मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज की तमाम इकसात तो आप देख सकेंगे, लेकिन उर्दू डबिंग के साथ नहीं बल्कि तुर्की जबान और इंग्लिश सबटाइटल के साथ, क्योंकि अभी तक मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज को उर्दू में डब नहीं किया गया। इसके अलावा आप तुर्की की तमाम तारीखी सीरीज उर्दू, इंग्लिश, अरबी और स्पेनिश जबान की डबिंग के साथ देख सकेंगे। नाजरीन, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की तमाम सीरीज हम किसी वेबसाइट से फ्री देख लेंगे, तो प्यारे नाजरीन, ये आपकी भूल है,
क्योंकि तिब्बी चैनल वाले इन तमाम वेबसाइट्स को ख़त्म कर रहे हैं जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज को सबटाइटल के साथ अपलोड कर रहे हैं। नाजरीन, बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो कि अभी भी मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज को उर्दू सबटाइटल के साथ अपनी वेबसाइट्स पर अपलोड कर रहे हैं, जिन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जो कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज को उर्दू सबटाइटल के साथ अपलोड कर रहे हैं। इसका वाहिद हल ये है कि आप तिब्बी चैनल की मेंबरशिप खरीद कर ना कि सिर्फ मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अली की सीरीज बल्कि तुर्की की तमाम तारीखी सीरीज जो कि TRT की तरफ से बनाई जाती है, आप इन तमाम तारीखी सीरीज को देख सकते हैं। प्यारे नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल डेरा प्रोडक्शन को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद ऐसी तारीखी वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। इस बंदा इना चीज को दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।